तुम क्या खाना बनाना चाहती हो बेटी? मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकते हैं। वैसे इसे बनाते कैसे हैं? ये चिकन, मुझे चिकन के लिए अच्छी रेसिपी पता है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं थोड़ी सब्जियां काट लेती हूँ। इस डिश का रहस्य यह है कि आप जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट होगा। सब कुछ अच्छी तरह से धोने की जरूरत है। इसे बड़े टुकड़ों में काट ले, आखिरकार बड़ा टुकड़ा से मुंह खुश हो जाता है। बस अच्छे से थोड़ा आलू भी काट लेती हूँ और फिर स्टफिंग के लिए आगे बढ़े। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं सभी सब्जियों को चिकन में डाल दूंगी और वे इसके अंदर बेक हो जाएंगे। सब्जियाँ ना डाले तब भी चलेगा। मैं बेकिंग डिश में आलू और गाजर भी डालूंगी, उन्हें मीट से अलग पकने दे। ओह, कितना अच्छा है। अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से गर्म ओवन में रखूंगी और चिकन से तैयार होने का इंतजार करूंगी। मुझे यह चिकन पसंद नहीं है, लेकिन KFC चिकन की बात ही अलग है। मैं इसे विशेष रूप से मसालेदार बनाऊंगा, चीटोस और टबैस्को सॉस के साथ। ओह, यह बोतल छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो गया। और अब मैं मिक्सचर में चिकन लेग रोल करने जा रहा हूँ। मुख्य बात पैक को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि चीटोस सभी तरफ से चिपक जाए। बस हो गया। फिर आप चिकन को पार्चमेंट से ढकी बेकिंग शीट पर रख सकते हैं ताकि ओवन में बेक किया जा सके। ओह, क्या हो रहा है। खाना पकाने से पहले चिकन को अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए अपनी सारी शक्ति के साथ, और फिर यह रसदार और नरम निकलेगा। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं पैन में तेल डालूंगी और चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करूंगी। ओ, मैं बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाऊंगी। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बनाता है। ओह, क्या खुशबू है। बस मेरे सुंदर चिकन का देखो, यह तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा तेल लगा देती हूँ, बस इस तरह से। आह, इतनी अच्छी खुशबू है। आह, ऐसे छूने की कोशिश मत करो, ये मेरी पोती पे इसके लिए है। बेहतर होगा तुम अपने चिकन को देखो। मैं यही करूँगा। ये पैरों को ओवन में रखने का समय है। ओह, ये कितने सुंदर है। अरे नहीं, आह, बेन ने दुनिया की सबसे तीखी टबैस्को सॉस को बहुत ज्यादा डाल दिया है। ओह नहीं, ओह, मेरे चिकन पक गए हैं और अब उन्हें परोसा जा सकता है। मैं उन्हें KFC बकेट में डालूंगा ताकि वो बहुत अच्छे दिखे। तैयार। और मेरे पास सब कुछ तैयार है। डिश की सुंदर सर्विंग के लिए केवल कुछ चीजें मिसिंग है। हाँ, अब चिकन बहुत सुंदर दिख रहा है। बॉन एपिटीट। यह चखने का समय है। कितने अलग डिशेस निकले, और मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इस चिकन फिले को खाऊंगी। क्या मुझे इसे सॉस के साथ खाने की जरूरत है? अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कह सकते हैं, मुझे यह पसंद है और अब मैं खाऊंगी। चलो इसे खाकर देखती हूँ। वाह, यह KFC चिकन की तरह दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। मैं क्या करूँ, यह भयानक है। हमें इस स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए। ओह, एक और चिकन। इसने मदद की। बहुत जूसी है। हाँ, ये सबसे अच्छा चिकन है। मैंने इस दौर की विजेता को चुना है। हाँ, दादी जीत गई। मुझे पता था मेरी पोती मेरे डिश को दूसरों से ज्यादा पसंद करेगी। मुझे आइसक्रीम चाहिए और इसमें अलग स्वाद है। क्या तुम यह कर सकते हो? क्या आइसक्रीम? और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंटरनेट पर देखूंगा और मैं अपने कुकबुक में रेसिपी को देखूंगी। आइसक्रीम को क्रीम से बनाया जाता है और अलग अलग स्वादों को पाने के लिए क्रीम को अलग अलग कटोरे में डालना होगा। पहली बाउल स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद देगी। मैं क्रीम में बेरी जोड़ूंगी और एक ब्लेंडर के साथ सब कुछ मिलाऊंगी। ब्लेंडर स्ट्रॉबेरी को पीस देगी, क्रीम को एक मोटी फोम में विस्क करेगी और क्रीम खुद एक सुंदर रंग का बन जाएगा। यह बाउल हरी होगी। मैं इसे कीवी के साथ बना दूंगी। तकनीक समान है और हमें आइसक्रीम के लिए हरा बेस मिलता है। और अब मैं बाउल को नीला करने के लिए ब्लूबेरी जोड़ूंगी। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि मेरे पास यह रेसिपी नहीं है, लेकिन दादी सब कुछ जानती है। सोचो दादी, सोचो। मुझे पता है, मैं इसे बर्फ के ट्रे से बना सकती हूँ। मैं सभी में एक बेरी डालूंगी और फिर मैं दूध डालूंगी। यह बेरीज को कवर करना चाहिए। मैं सारे सेक्टर में एक पॉपसिकल स्टिक डालूंगी तो आइसक्रीम को मोल्ड से बाहर निकालना सुविधाजनक होगा।
हाँ ये ठीक रहेगा। बस और अब फिर इसे खाना है। अब आइसक्रीम को बहुत देर तक फ्रीजर में रखना बाकी है, या यह कह सकते जब तक दूध जम नहीं जाता। हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये इसके लायक है। ओह मुझे ये आखिरकार मिल गया। टिकटॉक से एक सुविधाजनक और आसान नुस्खा मिला है। मेरे पास आइसक्रीम बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। और वैसे मुझे पता है इस रेसिपी की तुलना में इसे और भी स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। मैं एक बैग में M&M's कैंडी और दूध डालूंगा और मैं अभी इसे कस कर बंद कर दूंगा। मैं एक और बैग लूंगा और इसमें बर्फ के टुकड़े मिलाऊंगा। मैं तैयार आइसक्रीम मिश्रण को अंदर रखूंगा और ऊपर और क्यूब्स डालूंगा। और अब मुझे पैकेज को बंद करना होगा और इसे अच्छी तरह से हिलाना होगा। ये म्यूजिक की तरह भी लगता है। ये आवाज़ें क्या है? मैं टिकटॉक की एक रेसिपी देख रहा था दादी, मेरे साथ आओ। ओह कितना मजेदार। ओह उन्हें क्या हुआ है? ठीक है उन्हें मजे करने दो। मेरे पास जीतने का एक बेहतर मौका है। अब मुझे ड्राई आइस का एक टुकड़ा पीसने की जरूरत है। वो बहुत गुस्से में है। ये मस्त है। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी ठंड क्यों हो गई? यह सब उसके महंगे डिश की वजह से है। जैसा कि आपने सही ढंग से नोट किया है बेन, मैं केवल महंगे डिशेस बनाती हूँ और मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सारे कटोरे में बर्फ का एक टुकड़ा जोड़ा जाना चाहिए। क्रीम पकड़ लेगा और एक मोटी क्रीम निकल जाएगी जिससे मैं आइसक्रीम बॉल्स का निर्माण करूंगी। ध्यान दे, मेरी आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी पेज ने इसे ड्रॉ किया था। क्या यह प्रोफेशनल होने की निशानी नहीं है? और अब परोसने से पहले स्ट्रॉबेरी, बहुरंगी स्प्रिकल्स और चॉकलेट सॉस के साथ बॉल्स को सजाना बाकी है। तैयार। और दादी भी सब तैयार कर ली है। हाँ एक महंगा डिश नहीं है, लेकिन बस इन प्यारे मीठे चीजों को देखो कितना अच्छा निकला। मुझे जानना है कि यह काम किया। हाँ हुर्रे ये काम किया। वाह अब तुम इसे खा सकती हो। जरा देखो इसे। वाह कितना सुंदर। ए यह क्या है? ऐसा लगता है मुझे इसे सीधे बैग से खाना होगा। खैर चलो कोशिश करते हैं। यह कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर यह काफी अच्छा निकला। क्या अजीब आइसक्रीम है, मैंने इसे पहली बार देखा है। यह स्ट्रॉबेरी के साथ सिर्फ बर्फ है और मीठा बिल्कुल नहीं है। ओह मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ गई। शानदार सुंदर आइसक्रीम। सबसे स्वादिष्ट, सुंदर, रंगीन, जैसा मैंने सपना देखा था। सावधान पेज, यदि तुम एक बार में बहुत आइसक्रीम खाओगे तो तुम फ्रीज हो सकती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। सबसे सबसे स्वादिष्ट। क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा है? मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट है, जीत मेरी है। तो हीरोज एक नए टास्क का इंतजार कर रहे हैं और इस बार पेज खाना चाहती है। मैं मैक और चीज चाहती हूँ और ज्यादा चीज के साथ, मुझे ये बहुत पसंद है। कोई बात नहीं पेज, मैं इसे वैसे ही करूँगी जैसा तुम चाहती हो। लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट में मैक और चीज नहीं परोसा जाता है। हम पास्ता परोस रहे हैं और मैं इसे इतालवी पास्ता से पकाऊंगी। मैंने देते पास्ता पकाने के लिए समय रखा है, बस इस तरह से। थोड़ा और समय बचा है। ओह जरा तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो। तुम क्या कर रही हो? पास्ता को टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहिए। और आपको और कैसा लगता है कि इसे पकाया जाना चाहिए? वो बर्तन में नहीं फिट होता है। ओह मैंने यह कर लिया। ओह मैं इसे समय देना लगभग भूल गई। यह मुख्य बात अलार्म को मिस नहीं करना है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं खाना बनाना ही नहीं जानता। यह अच्छा है कि पैक पर रेसिपी को लिखते हैं। तो यह यहाँ एक सॉस पैन लेने के लिए कहता है। इसे पैक से निकाले और यह तैयार हो जाएगा। सब कुछ स्पष्ट लगता है। यहाँ एक सॉस पैन है, मुझे इसमें पास्ता डालना होगा। वाह एक पैक में बहुत सारा है। यहाँ मैंने इसे डाला। ओह यह गलती से हुआ। और अब इसे मिलाने की जरूरत है ताकि पास्ता एक साथ चिपक न जाए। तैयार। पानी निकाल ले और पास्ता को एक प्लेट पर रखना बाकी है। मैं पानी को हटाने के लिए उन्हें हिला दूंगी। वो आवाज क्या है? ओ पास्ता बन गया है। ठीक है दादी अपनी बुनाई नीचे रखती है और आगे बढ़ती है। ओ तुम क्या करती हो बेटी? एक पास्ता डिश। हाँ दादी को उसके लिए चीज के एक अच्छे टुकड़े की आवश्यकता होगी। मेरी पोती ने मुझे और चीज जोड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे और डालूंगी। पेज और मुझे चीटोस के साथ मैक और चीज बहुत पसंद है। यह हमारी पसंदीदा रेसिपी है। उसके लिए मैं चीटो को तोड़ूंगा और इसे सीधे तैयार पास्ता में डालूंगा और फिर मैं सब कुछ ठीक से मिला दूंगा। अरे दादी क्या आप चीज को ग्रेट करते समय सो गई थी? ओ, मुझे लगता है कि मैं सच्ची में सो गई थी। खैर कोई बात नहीं, पेज ने मुझे ज्यादा चीज जोड़ने के लिए कहा था। हाँ मुझे लगता है वो इसे पसंद करेगी। मोल्ड के साथ फ्रेंच ब्लू चीज।
वह बदबू क्या है, भयानक गंध। तुम कुछ नहीं समझते, ये एक बढ़िया डेलिकेसी है जिसे अमीर सोसाइटी में खाया जाता है। यह पास्ता के स्वाद को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा। और न केवल स्वाद बल्कि उन्हें एक विशेष रंग भी देगा। और डिश को इटली के चेरी टमाटर के समुद्रों से लाए गए ताजा श्रिम्प के साथ सजाया जाएगा। यही असली इटालवी पास्ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण मैक्रोनी और चीज की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, खासकर जब चीज की वजह से मैक्रोनी खुद दिखाई नहीं देती है। अच्छा है ना, तो मैंने चीटोस के साथ मैक और चीज बनाया। अब हमें पता चलेगा कि पेज को क्या पसंद आएगा। वाह, क्या अलग अलग डिश बने हैं, लेकिन मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, मुझे पता है। क्या हुई ना बात? क्या दादी, मुझे लगता है तुमने मेरी प्लेट में कुछ छोड़ दिया है। ओह, यह क्या है? ओह दादी, ये पास्ता कितनी अजीब गंध करता है। मुझे जानना है वे किसके साथ बने हैं और वे हरे क्यों हैं? ठीक है, मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। मैं थोड़ा खा कर देखूंगी। कितना खराब है। छी, तुमने मुझे जहर देने का फैसला किया? ये सबसे बेस्वाद पास्ता है जिसे मैंने कभी चखा हो। मुझे उम्मीद है कि इतने भयानक नहीं होंगे, हालांकि ये देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, मैं खाती हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट, वे चीटों के स्वाद की तरह है, मुझे सच्ची में पसंद है। मैं इस पास्ता को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे, हाँ पेज, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी, मैं जीता। हुर्रे। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ, मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है, इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है, देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह माफ करना, क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा, वो मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो यह कैसे किया जाता है, देखो। ओह, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है, मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा, एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों ना करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका, और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार, यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए, और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो, मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है, बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ पेज, अब समय है इसे चक्कर देखने का। हाँ आखिरकार, यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है,
अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स। इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाए। हाँ, और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इसे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है, इस तरह से। ओ, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पोता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। ओके। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मच लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के। वाह। ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद यह मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूंगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा। यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। तड़ाम। चरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है।
हाँ, पर मैं क्या करूँ? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये जिंजरब्रेड हाउस है, कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है, मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है, शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना, चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा, ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा, मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था, बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है, अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा, कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेज का उपयोग करूंगी जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेज यह बेकार है, पर इस सॉसेज की बात ही अलग है, यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है, हमें बस सॉसेज को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सॉसेज का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। उफ़, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है, ये बहुत आसानी से हो जाता है, देखो। मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी, और सॉसेज के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है, पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है, बस बैटर तैयार, और इसे स्क्वायर पे डालना है, बस इस तरह से। अब सारे सॉसेज को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेज के साथ ऐसा ही करूंगी, यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेज को फर्श से उठाने की जरूरत है। कितना दर्द हो रहा है। माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही, कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं, और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह ओह, डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है। कॉर्न डॉग तैयार है, अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए, बस इस तरह से, देखो। हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, इस तरह से, आंखें, हाँ हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा, और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय।
इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओ हाँ, मुझे पता था कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट, हाँ यह बहुत स्वादिष्ट है। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान, इसमें क्या पकाना है, बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब यह खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से, हाँ मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे, ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। ओह, इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है, अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल यह मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी, फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से, पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से, अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम, अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है, अब यह समय है अपने पोती के पास जाने का। ओह, मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा, ये एक असली चॉकलेट कोला है, मेरा फेवरेट कैंडी, M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे यह पसंद है। कितना बढ़िया, अब बाकी दो कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। हो वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है।
चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। हाँ, ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में केक कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था, आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा, मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर? पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक, मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। आह, दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं अपने हाथों से बंस भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बंस को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा, मुझे मैकडोनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है, और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, यह एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए, मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1, 2, 3, 4, 5, मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओ हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा, वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए, इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है, पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है, आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है, उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए, यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा।
मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है, यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी आप क्यों सो रही है? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना, बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से, बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है, वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए, यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपिटीट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है, मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। यह स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं बेन ने पहले राउंड के लिए कौन सी डिश पसंद की है। ओह वाह, तरबूज। लेकिन तरबूज पकाना दिलचस्प कैसे हो सकता है? हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, है ना? तो एमा, तुम्हारे पास क्या आइडियाज हैं? निश्चित रूप से तुम कुछ अलग लेकर आ सकती हो। अरे सावधान रहो। ऐसा लगता है कि अब एमा के पास तरबूज पकाने के बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन तुम अभी कुछ आइडियाज लेकर आ सकती हो, है ना? ठीक है। ओ, खूब उपकरण, लेकिन वे तरबूज के साथ कैसे मददगार होंगे? नहीं, यह निश्चित रूप से मदद नहीं करेगा। और वाह भी, कुछ मदद नहीं कर रहा। नहीं, अब बस केवल यही बचा है। चलो इसे कुछ करती हूँ, मैं इसे समेटती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। छी, मैं पूछने से डर रही हूँ, पर तुम्हें किस लिए चाहिए? इस तरबूज से पहले इतनी धूल लग गई है और निश्चित रूप से अब खाने के लिए सही नहीं है। नहीं एमा, तुम इसे फेंकने जा रही हो ना? अरे नहीं, वह बेन को ऐसी डिश परोसना चाहती है, कितना भयानक है। हाँ दादी निराश है, यह एमा को दिखाने का समय कि तरबूज को सुंदरता के साथ कैसे सर्व किया जा सकता है। चलो चलते हैं। बढ़िया, ये तरबूज खोलने और देखने का समय है। वाह, तरबूज को पूरी तरह से साफ किया गया है। बढ़िया काम दादी। अब हम इसे खूबसूरती से काटने के लिए एक विशेष चाकू लेते हैं। वाह, इन सही टुकड़ों को एक प्लेट पर रखना बाकी है। यह हुई ना बात। ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टुकड़ा बचा हुआ है, इसे खा क्यों नहीं लेते। अरे हाँ, ये तरबूज बहुत रसदार दिख रहा है। ठीक है, यह हमारे शेफ बेटी की बारी है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक असली मास्टर काम कर रहा है। वाह, क्या असामान्य आकार है। यह कला का एक वास्तविक काम है। अब बेटी किनारे से थोड़ा और काटती है, अब इस तरह से। अभी भी कुछ गायब है, और अगर आप इस तरह कोशिश करते हैं। हाँ, ओह हाँ, जरा इस चमत्कार को देखो, यह तरबूज नहीं है, यह पूर्णता है। शाबाश बेटी।
तीनों डिश तैयार है, जिसका अर्थ है कि यह चुनाव करने का समय है। खैर बेन, ये तुम्हें तय करना है कि चुनौती कौन जीतता है। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं इस डिश से। क्या रसदार टुकड़ा है। छिलके के बिना तरबूज सुपर। निश्चित रूप से ये पसंद आने वाली चीज है। तो यह क्या है? क्या यह कोई मजाक है? तरबूज के छिलके पर गंदगी लगी हुई है। छी, कितना घिनौना। वाह, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करें। क्या बेन को बेटी की डिश पसंद आएगी? ऐसा लगता है कि एक टुकड़ा उसके लिए काफी नहीं था। यह पहले से ही एक अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता दादी की डिश और बेटी की डिश के बीच है। हाँ, हमारा शेफ जीत रहा है। बेटी को बधाई, एक योग्य और सबसे महत्वपूर्ण मेहनती जीत। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है मास्टर।